तो अभी दोपहर का टाइम है और मैं अभी फुआ के यहाँ जा रही हूँ। नव्या इधर तैयार हो गई है। आराध्या को प्यास लग गया है तो वो पानी पी रही है और धूप काफी तेज है, हवा भी चल रहा है। अभी से हवा शुरुआत होता है तो फिर दोपहर तक चलते रहता है। और क्या हुआ, क्यों लड़ाई कर रही हो? पानी पीने के लिए लड़ाई करते हो? देखो इसका चेहरा। अच्छा लड़ाई करना बंद करो। देख लो गाइस ये लड़ाई चल रहा है, चोट लग जाएगा वैसे। बटन ले लो। हो गया ना, तो चलते हैं। हुआ अब नोक झोंक हुआ दोनों बहन में। तो गाइस धूप बहुत ही कड़ा है, एकदम सुनसान रोड, कोई नहीं निकल रहा है ना, काफी तेज। और पीछे आराध्या आ रही है पापा के साथ। गाइस मैं यहाँ फुआ के यहाँ अभी आई हूँ और फुआ ने हमको चावल और कटहल का मस्त टेस्टी सब्जी खिलाई है, बना के काफी स्वादिष्ट, कम मसाला में एकदम स्वादिष्ट सब्जी बनाई थी। फुआ हमको भी सिखा दीजिएगा कटहल का सब्जी। आप वीडियो बना के हमको दीजिएगा, हम यूट्यूब में डाल देंगे कैसे सब्जी बनाते हैं। हाँ ये बात सही। सिंपल मसाला, दो प्याज और दो टमाटर और दो लहसुन का पोट दिए और जीरा पाउडर दिए उसमें और तब मिक्सी में जाकर पीसे और कुछ नहीं, अब वो खड़ा मसाला दिए और कुछ नहीं, गरम वाला खड़ा मसाला डालिए। काफ़ी स्वादिष्ट सब्जी लगा, कम मसाला में खुशबूदार सब्जी। तुमको कैसा लगा नव्या? नव्या भी खाई थी, कैसा लगा था? अच्छा अच्छा लगा। फुआ का घर इसको बहुत पसंद है नव्या को। और यहाँ से एक किधर है पैंट किधर है, और देखिए फुआ के यहाँ से दोनों बहन एक एक पैंट लेके जा रही है। पैंट बहुत ही अच्छा है, आप लोग यहाँ आइए बगल में, अगर आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आइए यहाँ से, होलसेल पर एकदम अच्छा प्राइस में सामान मिलेगा और ले जाइए पैंट, काफ़ी अच्छा है पैंट, गर्मी के लिए कंफर्टेबल है कॉटन पैंट। हमें बनवाई छी लेते क्या खेल रही है, क्या खेल रही है, घर घर खेल रही है। ये लो। बोला बाबू दो। कितना प्यारा ननू है, किसका ननू है? आंसू का। लेते जाए, ले जाइए। रोज मांग रहे, रोज हमें साथ बोलती रहती है, दे दो हमें को मार देगा। हाँ नहीं मारेगा प्यारा बाबू। निकाल लो ये सब, तनी एक व्यक्ति अलग नहीं होना चाहता है इससे। संजोग से भेंट हो गया ना, हाय करो। देखो कितना बाबू को ले जा रहे। कबूतर छत पर आ गया है गाइज, बहुत कड़ा है।
गाइस यहाँ अभी टेम्परेचर 42 डिग्रीज है और छत पे काफ़ी धूप है और कबूतर को लग रहा है प्यास लग गया है। बहुत देर से कबूतर पानी के लिए तड़प रही है, मैं इसको पानी पिला देती हूँ। और मैंने अभी पूरा कपड़ा फैला दिया है, काफ़ी पहले धो दिया था तो पानी सब निचोड़ के निकल गया। और सुबह में मैं राम को भी धो देती हूँ। मॉर्निंग में मैं ग्राम को धो दी थी अच्छे से और ये भी सूख गया है। अब इसी में गेहूँ को स्टोर करूँगी। अब मैं नीचे जाती हूँ, हवा काफ़ी तेज है। तो गाइस मैं यहाँ पानी रख देती हूँ, कबूतर पानी पिएगा, इसको प्यास लग गया है, वो आप पिएगा। अभी दाना चुग रहा है, सुबह में मैं गेहूँ का दाना छीट देती हूँ तो वही पानी पी लेगा। मैं नीचे चली जाती हूँ और हवा आप लोग देखिए काफ़ी तेज हवा है, एकदम चिलचिलाती धूप में हवा काफ़ी तेज है। तो मेरा छत का काम कंप्लीट हो गया, अब मैं नीचे जा रही हूँ। तो गाइस आप लोग देखिए कबूतर अब नज़दीक आ रहा है पानी के बर्तन के पास। मैंने पानी रख दी थी, अब उसको प्यास लग गया है। मुझे लग रहा था कि उसको प्यास लगा, देख लो पानी पी रहा है। वाह कितना प्यारा है, मेरा बात सुन लिया कबूतर, उनको लग रहा था कि इसको प्यास लगा। तो गाइज ये है नीम की टहनिया, सुबह मैंने तोड़वाए थे और इससे मैं दातुन को सेपरेट कर रही हूँ और नीम के पत्ते को मैं अलग कर रहे हैं। तो नीम के पत्ते जब अलग हो जाएंगे तो इसको मैं सूखने दे दूंगी। गेहूं के लिए ये सही रहेगा, गेहूं प्रिजर्व रहता है इससे नीम के पत्ते से। तो ये इससे मुझे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो दातुन भी काम में आ जाएगा और नीम के पत्ते भी गेहूं के लिए काम में आ जाएगा। तो गाइज गेहूँ में मैं पेस्टिसाइड नहीं डालती हूँ, नीम के पत्ते ही डालती हूँ। और गर्मी भी काफ़ी है तो परेशानी थोड़ा इधर ज़्यादा बढ़ गई है। 42 डिग्री टेम्परेचर कभी भी नहीं रहता था हमारे बिहार में, इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। और गर्मी के कारण और हवा भी जो तेज़ चल रही है ना, भी घर कितना भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लो फिर भी घर गंदा हो जाता है। जबकि मैं 2 घंटा पहले क्लीनिंग करके खाना पीना खा के रेस्ट की थी, तो अभी मैं जब उठी हूँ तो फिर अभी मैं छत पे कपड़े पसारने गई थी, उसके बाद फिर मैं अभी नीचे लेके आ गई और नीम के पत्ते को लेके। तो परेशानी हो रही है गर्मी के कारण। ये सब दातुन बनाएंगे, बच्चे सब दातुन नहीं करते लेकिन मुझे दातुन बहुत पसंद है, दातुन दांत के लिए बहुत ही सही रहता है। और मार्केट में ना एक दातुन का कीमत 5 रुपया मिलेगा आपको। जब मैं भागलपुर गई थी तो स्टेशन पर मैंने दातुन लिया था, एक पीस का दाम 5 रुपया पड़ रहा था। तो अच्छा खासा गाइस देखिए दातुन इधर मैंने जमा कर लिया है, तो मेरे हस्बैंड सबको बना के रखेंगे और कपड़े में लपेट के मैं फ्रीज में रख दूँगी। दतमन सही रहता है, बच्चे को तो पसंद नहीं है लेकिन मैं करती हूँ। तो गाइस मैं भी इसको छत पे ले जा रही हूँ, तो अब मैं इसको ले जा रही हूँ छत पे, धूप में दूंगी सूखने। सब सूख जाएगा, धूप बहुत तेज है। नीचे तो गाइज छत पर से अभी मैं आ गई हूँ नीचे और धूप काफ़ी तेज़ था तो गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। और आज खाने में चावल दाल नेनुआ का सब्जी और भुजिया, आलू की भुजिया बनाई थी। हवा काफ़ी तेज़ है तो जिसके कारण आज नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चलने का कारण इसको देखो परेशानी हो रही है नव्या रानी को। क्यों नव्या?
मन नहीं लग रहा है नब्बू को। कैसा मन कर रहा है कैसा मन कर रहा है? नेट नहीं चल रहा है। तो गाइज नेट नहीं चल रहा है, आज हवा तेज है तो आज इंटरनेट का भी प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हुआ हाँ? तो गाइज देखिए धूप काफी तेज है और छत पर से मैं अभी आई हूँ, एकदम हालत खराब है और आज हवा भी काफी तेज है तो इंटरनेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो बच्चे सब इंटरनेट के बिना एकदम बोर हो रहे हैं, कह रही है माँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, मुझे गेम खेलना है। तो गाइस मैं भी फ़ैन को चला दी क्योंकि जब ब्लॉग शूट करती हूँ तो फ़ैन को बंद करना पड़ता है। और आप लोग देखिए एक तो गर्मी भी रहती है, ब्लॉग भी शूट करना पड़ता है और आवाज़ ना जाए इसके लिए फ़ैन को भी बंद करना पड़ता है और पसीना पसीना से एकदम हालत ख़राब हो जाता है। ब्लॉगिंग करना पड़ता है फ़ैन ऑफ करके फ़ैन ऑफ करके ब्लॉगिंग करना पड़ता है तो पसीना से हालत ख़राब हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं अभी काफ़ी अच्छी लग रही है, पसीना मेरा सूख चुका है। गर्मी में पंखा ना चले तो एकदम बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। और बैक कैमरे से धूप काफी तेज वाली धूप है।